नमस्ते, यहाँ पर इस वीडियो में MIUI एंड HyperOS थीम्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर सभी जो थीम है Redmi एंड Poco डिवाइस के ऊपर काम कर जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। पसंद आए तो लाइक कर सकते हो एंड शेयर भी कर सकते हो। सभी थीम्स का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके थीम स्टोर से सभी थीम को जो है डाउनलोड करना होगा। तो वन बाय वन सभी थीम को अप्लाई करके देखते हैं किस तरह से यहाँ पर यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले इस थीम को अप्लाई करते हैं। थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को एक बार जरूर से रीस्टार्ट करना, तो UI के ऊपर जो थीम वगैरह है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। कुछ इस तरह से इस थीम के साथ जो यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर वॉलपेपर के साथ चेंजेस देखने को मिलता है, यहाँ पर क्लॉक स्टाइल के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से एनिमेशन देखने को मिलेगा, आइकॉन वगैरह के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है। जितने भी सिस्टम आइकॉन है सभी के साथ यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल गया है। यहाँ पर कुछ काफी बढ़िया जो है पर आइकॉन पैक देखने को मिलता है। डायलर की अगर बात करें, कुछ इस तरह से डायलर के साथ UI देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ कुछ इस तरह से UI देखने को मिलता है। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें तो सेटिंग्स मेनू के साथ हमने चेंजेस को नोटिस नहीं किया है। यहाँ पर हमने Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर HyperOS 1.0.6.0 का जो अपडेट है इंस्टॉल किया है एंड इस अपडेट का जो डाउनलोड लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एंड सभी जो थीम है HyperOS एंड MIUI दोनों के साथ ही काम कर जाएगा। एनीवे यहाँ पर MIUI 11 का जो कंट्रोल सेंटर है इसे सिलेक्ट करते हैं एंड कुछ इस तरह से UI देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आइकॉन के साथ भी कुछ इस तरह से एनिमेशन वगैरह को ऐड किया गया है। एनीवे अगर बात करें पर लॉक स्क्रीन के बारे में, तो कुछ इस तरह से काफी हद तक मिनिमल लॉक स्क्रीन UI देखने को मिलेगा एंड यहाँ से आप जो है जो विजेट्स वगैरह उसे कस्टमाइज कर सकते हो। अलग अलग क्लॉक स्टाइल को सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इवन जो ऑपेसिटी वगैरह है उसे भी आप जो है कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेगा, विजेट्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर फ्लैशलाइट, कैमरा, म्यूट का जो ऑप्शन है, डार्क मोड का जो ऑप्शन है यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया है। तो इस थीम के साथ लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ये जो थीम है आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बोल सकते हो। बात कर लेते हैं पर नेक्स्ट थीम के बारे में। नेक्स्ट थीम को सिंपली यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हमने यहाँ पर HyperOS थीम के रिलेटेड ढेर सारी वीडियो को अपलोड किया है। आप सिंपली MIUI थीम्स का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर चेकआउट करके देखो। एनीवे ये जो थीम है यहाँ पर अप्लाई हो गया है। इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से यहाँ पर आइकॉन देखने को मिलेगा, देख सकते हो सभी आइकॉन के साथ जो है पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा। काफी डिफरेंट एंड यूनिक जो है यहाँ पर आइकॉन देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पर क्लॉक स्टाइल के साथ चेंजेस है। यहाँ पर डायलर वगैरह की अगर बात करें, कुछ इस तरह से डायलर के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा। डायलर पैड के साथ चेंजेस है, इवन जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है, प्लस जो सेटिंग्स एप्लीकेशन है इसके साथ भी चेंजेस है। तो यहाँ पर सेटिंग्स मेनू सभी के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। वॉल्यूम पैनल की बात करें, कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल के साथ UI देखने को मिलेगा। एनीवे यहाँ पर नया वाला जो कंट्रोल सेंटर इसे सिलेक्ट करते हैं एंड कुछ इस तरह से स्विच स्टाइल के साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है एंड नया वाला कंट्रोल सेंटर के साथ हमने कोई भी चेंजेस वगैरह को नोटिस नहीं किया है। यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन UI है काफी बढ़िया है, देख सकते हैं। पर बैटरी परसेंटेज देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से क्लॉक स्टाइल को ऐड किया गया है। तो इस थीम के साथ जो लॉक स्क्रीन UI है काफी बढ़िया है, कैसा लगा आपको जरूर से कॉमेंट करके बताना। एंड यहाँ पर अगर आप डबल टप करोगे तो अलग अलग जो है वॉलपेपर वगैरह देखने को मिल जाएगा, तो काफी सही है। तो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन UI के साथ जो है यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शंस देखने को मिलेगा। एनीवे नेक्स्ट जो थीम है इसे सिंपली ट्राई करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर इस थीम को जो है अप्लाई किया है एंड यहाँ पर इस थीम के साथ जो है यहाँ पर सरस बार के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा, जो बैटरी बार के साथ चेंजेस देखने को मिल रहा है, जो क्लॉक स्टाइल के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। डेट टाइम एंड वेदर विजेट्स को ऐड किया गया है। वॉलपेपर के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर आइकॉन वगैरह के साथ भी चेंजेस है, कॉम्पास, यहाँ पर जो है जितने भी सिस्टम आइकॉन है सभी के साथ जो है पर चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पर डायलर मैसेजिंग एप्लीकेशन के साथ जो कुछ इस तरह से UI है। एनीवे कंट्रोल सेंटर जो है कम्प्लीटली अब चेंज हो गया है। कंट्रोल सेंटर के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर ब्राइटनेस, वॉल्यूम पैनल, ब्लूटूथ, म्यूट, यहाँ पर फ्लैशलाइट, वाईफाई आइकॉन, वॉल डेटा, जितने भी कंट्रोल सेंटर के ऊपर आइकॉन है सभी के साथ जो है पर चेंजेस देखने को मिलता है।
यहाँ पर अगर बात करें सेटिंग्स मेनू के बारे में, तो सेटिंग्स मेनू के साथ भी चेंजेस है। यहाँ पर वाईफाई आइकॉन, ब्लूटूथ आइकॉन, मोबाइल नेटवर्क, लॉक स्क्रीन, सभी आइकॉन के साथ जो है लॉक स्क्रीन के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्विच स्टाइल के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन के बारे में, तो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई है, कुछ इस तरह से क्लॉक स्टाइल को ऐड किया गया है। पर म्यूट आइकॉन के साथ भी चेंजेस है, नेटवर्क आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा सर्वर के साथ, प्लस फ्लैशलाइट एंड कैमरा का जो आइकॉन है ऐड किया गया है। काफी बढ़िया जो है पर मिनिमल लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिलेगा। एनीवे यहाँ पर MIUI 11 का जो कंट्रोल सेंटर है उसके साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। देख सकते हो ब्राइटनेस बार के साथ चेंजेस है, उसके साथ जितने भी कंट्रोल सेंटर के ऊपर आइकॉन वगैरह देखने को मिलेगा सभी के साथ जो है पर चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो ये जो थीम है आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। एंड यहाँ पर इस थीम के साथ कुछ इस तरह से एनिमेशन वगैरह को भी ऐड किया गया है लॉक स्क्रीन के साथ। एनीवे बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट थीम के बारे में। सिंपली जो नेक्स्ट थीम है इसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये जो थीम है अप्लाई हो गया है एंड कुछ इस तरह से यहाँ पर सर्वर के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर म्यूट आइकॉन, बैटरी परसेंटेज के साथ चेंजेस है, क्लॉक स्टाइल के साथ भी चेंजेस देखने को मिलेगा। एनिमेशन को ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर जो आइकॉन वगैरह है काफी डिफरेंट है। यहाँ पर कैलकुलेटर, वेदर, यहाँ पर रिकॉर्डर, थीम सेटिंग सभी आइकॉन के साथ जो है पर चेंजेस को हमने नोटिस किया है। मैसेजिंग एप्लीकेशन एंड डायलर एप्लीकेशन के साथ जो है चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। कंट्रोल सेंटर के साथ हमने यहाँ पर चेंजेस को नोटिस किया है। वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें, वॉल्यूम पैनल के साथ भी यहाँ पर रीडिजाइन यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। वॉल्यूम पैनल के साथ यूआई के ऊपर चेंजेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सेटिंग्स में भी चेंज हो गया है। यहाँ पर जितने भी आइकॉन वगैरह है, वाईफाई आइकॉन, मोबाइल नेटवर्क, ब्लूटूथ, सभी सेटिंग्स में का जो आइकॉन वगैरह के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलता है। एंड नया वाला कंट्रोल सेंटर के साथ भी यहाँ पर कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। यहाँ पर वाईफाई आइकॉन, मोबाइल नेटवर्क आइकॉन सभी के साथ जो है चेंजेस है एंड कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई को ऐड किया गया है। एनीवे बात कर लेते हैं पर नेक्स्ट थीम के बारे में। सभी थीम का जो डाउनलोड लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर ये जो थीम है अप्लाई हो गया है। बैटरी बार के साथ जो है चेंजेस देखने को मिलेगा, वॉलपेपर के साथ चेंजेस, इवन आइकॉन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है। इस थीम के साथ सबसे बढ़िया बात है पर लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से इस थीम के साथ जो है लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिलेगा। इसे भी अगर आप चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग जो है लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिल जाएगा। इवन जो क्लॉक स्टाइल वगैरह है उसे भी आप जो है कस्टमाइज कर सकते हो। काफी बढ़िया ऑप्शन है। इस तरह से अलग अलग जो है लॉक स्क्रीन यूआई का जो फीचर से ऐड किया गया है, तो जरूर इस थीम को ट्राई करके देखो। एंड सेटिंग्स मेनू के साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है। कंट्रोल सेंटर के साथ भी ट्रांसपेरेंट यूआई जो है देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं पर नेक्स्ट थीम के बारे में। सिंपली नेक्स्ट जो थीम है हमने यहाँ पर अप्लाई किया है एंड इस थीम के साथ जो है सर्वर के साथ चेंजेस देखने को मिलेगा। आइकॉन वगैरह के साथ भी चेंजेस देखने को मिल जाएगा एंड विजेट्स के साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, कुछ इस तरह से काफी हद तक मिनिमल लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिल जाएगा। क्लीन यूआई है। यहाँ पर काफी बढ़िया जो है विजेट्स के साथ एनिमेशन को भी ऐड किया गया है, तो डेफिनेटली कंट्रोल सेंटर के साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है। तो इस थीम को ट्राई करके देखो। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।